चिल्ड्रेन आई एम वेयरिंग अ मास्क. आप लोग सोच रहे होंगे ना आज मैंने मास्क क्यों पहना है. हमको मास्क अभी पहनना पड़ेगा. क्यों पहनना पड़ेगा? क्योंकि वी नो दैट द वायरस इज गोइंग आउट. बाहर इतना कोरोना वायरस फैल रहा है, ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है ना. तो हमें कहीं भी जाना है, इफ़ वी वॉन्ट टू गो टू प्लेसेस, हमें कहीं किसी भी प्लेस पे अगर जाना है तो वी हैव टू वियर दिस मास्क. बिना मास्क के हमको बाहर नहीं जाना है. ओके, बट हमको प्लेसेस जानी कौन सी हैं? ऐसी कौन सी प्लेसेस है जो हमें जाना चाहिए या हम बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, है ना? ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं? वेल, फर्स्ट प्लेस इज योर हाउस, जहां आप रहते हैं, है ना. कहीं से भी आते हैं आप, बाहर से खेल के या मार्केट से या कहीं से भी आते हैं, यू गो टू योर हाउस, राइट. एंड उसके बाद हम खेलने कहां जाते हैं? हम खेलने जाते हैं इन अ पार्क, इन अ गार्डन. और उसके बाद हम पढ़ने कहां जाते हैं? वी गो टू द स्कूल, राइट. और कभी अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो या हमें चोट लग जाए खेलते खेलते, तो हमें कहां जाना चाहिए? वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, राइट. तो अगर हमें इन प्लेसेस पे जाना है तो हमें अपना मास्क पहनना पड़ेगा, है ना. ऑलराइट, अब मैं आपको वो प्लेसेस दिखाती हूँ कि हमें कौन कौन सी प्लेसेस पे जाना है. ओके, सो चिल्ड्रन, दीज आर द प्लेसेस वी विजिट ऑफन, मतलब कि हम जहां बहुत ज्यादा जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर हाउस, हम बाहर से खेल कर आए हैं, मतलब गार्डन में खेल कर आए हैं, है ना, या बाहर मार्केट से आए हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं सबसे पहले, राइट. तो दिस इज आवर हाउस. और जब हम खेलने जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? पार्क. पार्क मीन्स गार्डन, ठीक है, जहाँ पे झूले होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जॉगिंग पार्क होता है, जॉगिंग पाथ होता है, वहाँ पे हम जॉगिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे बच्चों के साथ भी हम खेलते हैं. और अगर जब हमको पढ़ाई करनी होती तो हम कहाँ जाते हैं? वी गो टू द स्कूल, है ना. और जब कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तब हमें जाना पड़ता है हॉस्पिटल, राइट. इसीलिए अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि हमको ये प्लेस विजिट नहीं करनी पड़े. बट इन केस कभी कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, फीवर हो गया, खांसी हो गई, चोट लग गई, तो वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, राइट. सो दीज आर द प्लेसेस वी विजिट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड दिस इज द प्लेस वी लिव इन. मतलब ये हम फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते, यहाँ पे तो हम रहते हैं. यहाँ से कभी इधर, यहाँ से कभी इधर, और रेयरली इधर, ठीक है. जस्ट प्रे टू गॉड कि हमें यहाँ जाना ही ना पड़े. वी स्टे फिट एंड फाइन, राइट. इसीलिए हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम हॉस्पिटल ना जाए, बस एटलीस्ट. ओके, ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दीज आर द प्लेसेस, यू कैन चेक इट आउट इन योर बुक ऑल्सो, एंड यू कैन टेल मी लेटर ऑन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, बाय बाय.